की तरफ से। और ये खराब है कि आपने खराब किया। एक मिनट, एक खराब, एक हजार जो है भारत और एक हजार में आपकी तरफ से, वही तो बोल रहा हूँ। और अगर हारेगी तो वो हम बताएंगे। चले गए तो सही मुकाबला शुरू हो रहा। अगर खर्चा कोई जीतती है तो एक हजार रुपए का इनाम है। और पहले में सही तो है नमो बनाइए, उसको बनाइए अच्छे से, सही तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है, नाम सही है, वन पॉइंट। तो एक पॉइंट के साथ फतह के मैच में पराजित स्कोर का आगाज किया है। जबरदस्त मुकाबला और ये फाइनल मुकाबला। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की आना शुरू हो गया है। बारिश आएगी। हेलो 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 हेलो, आप लोग रेफरी में अभी चार चार लोग हैं। बंडी गांव के खिलाड़ी, बंडी गांव के खिलाड़ी, भाई इसको दो जीरो, दो जीरो। बाबू आखिरी आखिरी आखिर बाबू, आप अपने स्थान पर चले, फाइनल खेल रहे हैं। चले मुकाबला शुरू हो चुका है। दो जीरो यासिर, यासिर बाबू तो हम फाइव हो गया। मैं नेशनल स्पोर्ट मोहम्मद आरिफ साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नेशनल स्पोर्ट कबड्डी 2024 पर बाकी में खर्च की गोलाबारी के दरमियान भाई देखिए ये सब मसीनिया कहने हैं और सब कोड़ताड़ दे जीरो। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि फतेहपुर की मेरी बंदीघा रख दीजिए सब स्कोर का भी आगाज करना बाकी है। महद भाई मेहरान भाई की जानिब से अगर फतेहपुर की टीम जीतती है तो एक एक हजार रुपये का इनाम। स्कोर 3-0। स्कोर की सुझाव हो गए क्या और पटका ऐसा आता हुआ तो भाई से कहा है आप अपने शांत तरीके को मुकाबला आखिरी है। थर्ड लीग, थर्ड लीग का ऐसा आता हुआ और सुपर टोटल था यानी दो पॉइंट मिलेगा। तो इस दो पॉइंट के साथ बंदी भाव चार दो के स्कोर पे जो नाम है ना चले देखकर भी छोट लगे भाव तय कर दिए और छोट हो उनका डाल दे और जो तुम्हारे समस्या में डाल क्योंकि वो वापस नहीं हो जो नाम काटे हो रहेगा। ओह आठ नंबर की जर्सी में और जूनियर के लड़के पर है जो पिच है तुमको मालूम है ना जो पिच बनाया है ठीक है। स्कोर 4-2। तो मैं देख रहा हूँ कि नेशनल स्पोर्ट कबड्डी 2024
कबड्डी कप 2024 तो यकीन है अंतिम दो मिनट और बिना पॉइंट वापस नहीं चल रहा क्या भाई, नहीं चल रहा क्या, पच्चीस की थी कबड्डी कप 2024 फाइनल मुकाबला फतेहपुर और सदर मेमोरियल बंदी घाट के दरमियान 4-2 का स्कोर है, 4-2 के स्कोर में मुकाबला चल रहा है। अब देखो विजय जरूर कुछ करिए, बोल दो अपनी टीम की जानी से तीसरी लीड कर रहे हैं, जरूर कुछ करेंगे। और एक बोनस पॉइंट 5-3 का स्कोर पार्टी यानी सिचुएशन है और सुपर टेकर है, अगर इस खिलाड़ी को टेकर करते हैं यही सामा हो, अगर इस खिलाड़ी को टेकर कर लेते तो ये विनर 5-5 बराबर हो जाता। अभी स्कोर बोर्ड वाले साथी 6-3 अंतिम लड़ाई मिनट, अंतिम 1 मिनट, 1 मिनट का मुकाबला अंतिम 1 मिनट का मुकाबला और बाकी बचा हुआ है 7-3। तो मैं देख रहा हूं कि फतेहपुर, ये फतेहपुर को मैं देख रहा हूं कि नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी 2024 कप विजेता रही, तो टीम कैप्टन फतेहपुर आ जाए, टीम कैप्टन फतेहपुर आ जाए, सिराज भाई और फैसल भाई की बनने से दोनों 2,000 रुपए का इनाम है, तो फतेहपुर आ जाए, के हाथों से इनाम ले जाए, 2,000 रुपए का इनाम था, टीम कैप्टन फतेहपुर, वही टीम कैप्टन फतेहपुर आए, 2,000 रुपए का इनाम है आपकी टीम को और आपने ये 2,000 रुपए स्वीकार किया। तो मैं अब अपने सीनियर, अपने उस्ताद और अपने गुरु सैफ असलम से कह रहा हूँ कि आप आए और जो इनाम की जो प्रतिक्रिया है, सबसे पहले मैं बाइक देने से पहले निर्णय कमेटी का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और खासतौर से मोहम्मद आरिफ साहब जो निर्णय बोर्ड के ग्रुप राइटर हैं, प्रदेश में थे लगातार सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप के जरिए इस माहौल को बना रहे थे कि हम जब छुट्टी आएंगे, जब हम छुट्टी आएंगे, जब हम छुट्टी आएंगे तो इंशाल्लाह फतेहपुर में एक तारीख रफ करेंगे और कल और परसों वाकई में मैं निजी दुनिया इसी इलाके से निकला हूँ, कल और परसों की तारीख मुझे यकीनन मेरे दिल के अंदर एक दर्द था कि जिस हिसाब से नेशनल स्पोर्ट कबड्डी 2024 चलाया है और मुझे नाम मारी चल रही है, क्या आरिफ भाई को कितना परेशान होगा, सैफ असलम साहब फतेहपुर के मेरा खेल लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्या ये मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। शाम आज जब मैच शुरू हुआ 5 बजे मुझे गफलत में डाला गया कि हल्की फुल्की जूदा बारिश हो रही है, उसके बाद मैंने लाइव देखा, सीधे पांव से सफर करते हुए मैं आपके टूर्नामेंट में हाजिरी की, तो यकीनन मैं सैफ असलम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी वहां पे चले क्योंकि आपके वहां के खास थे, और बाकी काम तो हम और सलमान भाई कर लेंगे, भाई आप लोग तुरंत फाइट हो जाएंगे, तो जिनको सोशल मीडिया पे आना है तो हमारे साथ आ जाए और जिसको सोशल मीडिया पे नहीं जाना है वो तो फाइट हो जाए। भाई देखो आज सारे सोशल रहमान भाई को देखे, तो मैं अब अपने बड़े भाई अपने अजीज दोस्त सैफ असलम को माइक दे करता हूँ, अगर मेरा के लिए अगर बोलने में कोई कमी रह गई होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ, माइक पर सैफ असलम माइक रखो। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज बादल साहब आपका, और बिना देर के चूंकि मौसम निकलता जा रहा है मैं गुजारिश करूंगा कि एक मिनट
खत्म हो गए।